हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने चैनल को मोनेटाइजेशन कैसे करें। चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके 4000 आवर कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके 4000 आवर पूरे हैं तो आप मोनेटाइजेशन के योग्य हैं। मोनेटाइजेशन के लिए आपको मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। बाद में स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अपने ईमेल अकाउंट को जोड़ना होगा। बाद में आपको एडसेंस खाता बनाना होगा। एडसेंस खाता बनाने के बाद आपको आपका अपना सही ईमेल आईडी लिंक करना होगा। YouTube आपको एडसेंस खाता बनाने पर मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको 45% भुगतान करेगा। 55% भुगतान जो कि YouTube द्वारा रखा जाएगा। अगर आप मोनेटाइजेशन के योग्य हैं तो आपको 1 महीने के भीतर आपका चैनल पूर्ण रूप से मोनेटाइज हो जाएगा। चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न निर्देशों एवं नियमों को पढ़ने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। आपको विभिन्न तरह से खाता बनाने के लिए आपको अपना नाम, पता, एड्रेस सब पूर्ण रूप से आपको सही नाम एवं खाता बनाना पड़ता है। अगर आपको किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है तो आपके चैनल जो कि मोनेटाइजेशन के योग्य नहीं माना जाएगा या आपके चैनल को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको यूट्यूब आपको सूचित करने का प्रयास करेगा या किसी अन्य पक्ष द्वारा आपको शर्तों के माध्यम से आपके कॉपीराइट क्लेम हटाए जा सकते हैं। YouTube में भागीदारी लेने के लिए आपका चैनल में पूर्ण रूप से आपका वीडियो एवं आपकी वॉइस पर बना वीडियो होना चाहिए। कॉपीराइट क्लेम के वीडियो अगर सर्वाधिक होते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के योग्य नहीं माना जाता। विभिन्न सेवा शर्तों को लागू करने के लिए YouTube आपके वीडियो को पूर्ण रूप से जांच करने के बाद आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा। YouTube अपने सेवा शर्तों को संशोधित या लागू करने का अधिकार रखता है। YouTube पर इनकम रेवेन्यू के लिए आपको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, सिटी, पिन कोड सभी दर्ज करना पड़ता है। ये सभी दर्ज करने के बाद आपका दोनों चरण आरंभ हो जाएंगे। तीसरे चरण में YouTube आपके चैनल की समीक्षा करेगा कि आप चैनल के नियमों, YouTube के नियमों का पालन करते हैं या नहीं।